से आने वाली और जाने वाली सारी फ्लाइट को इंडिया ने कैंसिल किया। ये कैंसिलेशन 31 दिसंबर तक रहेगा, ऐसा गवर्नमेंट के सूत्रों से मालूम पड़ा है। और नए स्ट्रेन इंडिया में आए हैं कि नहीं आए हैं, बट प्रिकॉशन के लिए महाराष्ट्र में खासतौर से जितने भी बड़े शहर हैं वहाँ पर रात की कर्फ्यू आज से लागू करने जा रही है सरकार। रात की कर्फ्यू इस तरह है कि रात के 11 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा, और जो क्रिसमस में बड़ी बड़ी पार्टियां होती हैं उस पर पूरी तरह से नज़र रहेगी। तो माना जा रहा है कि इस बार क्रिसमस पार्टी महाराष्ट्र में खासतौर से नहीं मनाई जाएगी बड़े लेवल पे। और जितने भी लोग यूके से आ रहे हैं, इंग्लैंड से आए हैं, उनको एयरपोर्ट से सीधा क्वारंटाइन किया जा रहा है, 15 दिनों का क्वारंटाइन है, और जिसमें उनके परिवार वाले कुछ अभिभावक ने इसके ऊपर अपनी नाराज़गी जताई है, लेकिन जस्ट प्रिकॉशन के हिसाब से उनको क्वारंटाइन सेंटर ले जाया जा रहा है, और 5वें या 7वें दिन उनका कोविड का टेस्ट होगा। अगर वो सही रहे तो भी प्रिकॉशन के लिए 15 दिन का क्वारंटाइन रखा जाएगा, ऐसा हमारे सूत्रों के माध्यम से ये खबर आई है। लेकिन क्या इसकी नए स्ट्रेन का असर इंडिया के छोटे बड़े शहरों पर पड़ेगा, ये तो वक्त और हालात बताएगा। लेकिन फिलहाल स्कूल्स एज इट इज़ महाराष्ट्र में 31 तक बंद हैं, लेकिन आगे कब से ओपन होंगे इसका नोटिफिकेशन अभी जारी नहीं किया है। बट कर्नाटका में स्कूल जनवरी में खुलने वाला है। अब देखते हैं ये न्यू स्ट्रेन आने की वजह से वो एज इट इज़ रहेगा या वो भी पोस्टपोन होने वाला है। न्यू स्ट्रेन वायरस में बताया जा रहा है कि ये बहुत बुरी तरह से बहुत फास्ट फैलता है, ऐसा इंग्लैंड के कुछ डॉक्टर्स ने और कुछ मेडिकल से जुड़े लोगों की रिपोर्ट आई है। तो ये नए साल में ऐसी खबर आएगी, ये किसी को एक्सपेक्टेड नहीं था, लेकिन खबर जैसी भी हो इसको सीरियस तो लेना ही पड़ेगा। और आप लोग अपना ख्याल रखिए, जिस तरीके से पहले आप रखते थे उससे ज़्यादा अभी रखने की ज़रूरत है, क्योंकि महाराष्ट्र में जो हेल्थ से जुड़े लोग हैं उनका कहना है कि महाराष्ट्र के अंदर यानी ख़ासतौर से मुंबई में ऐसे न्यू स्ट्रेन की कोई खबर नहीं है, ना ही कोई दिसंबर में ख़ासतौर से कोई न्यू पेशेंट एडमिट हुए हैं, और जो पहले से पेशेंट थे उनको अच्छी रिकवरी मिली है। लेकिन फिर भी प्रिकॉशन ले रही है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरनेशनल लेवल पे फ्लाइट का के ऊपर, और आने और जाने वाली फ्लाइट जो इंग्लैंड के अलावा दूसरी कंट्रीज हैं उन पर भी नज़र है। अगर ऐसा कहीं किसी दूसरी कंट्री से भी सिम्टम्स रहा तो वहाँ की फ़्लाइट को कैंसिल किया जाएगा। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सप्लाई न्यूज़। थैंक यू।